मेरा तो ये मानना है कि सारे इंडिया में सारे जाति को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर देना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई जाति ना रहे, बस आर्थिक आधार पर जो गरीब है उसको आरक्षण मिले। तो पर्टिकुलर को हम प्राथमिकता नहीं, न दें। पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि प्राइस समाज के लिए मेरे मन में एक अलग से मतलब प्रेम रहा है, इसलिए भी कि यह समाज काफ़ी शिक्षित है और सबके साथ मिलजुल करके चलने वाला समाज है, कभी मार्गदर्शक रहा है। तो मेरा पूरा प्रयास होगा इस समाज को उचित सम्मान देना। एक छोटा सा प्रश्न, स्वर्ण गरीब का आरक्षण अभी वर्तमान सरकार ने दिया, आपके महागठबंधन के जो सहयोगी प्रमुख दल हैं राजद, सबसे ज्यादा मुखर विरोध ऑल इंडिया में इसी दल ने किया है, आप उस दल के साथ हैं, आप क्या विजन रखते हैं गरीब स्वर्णों के आरक्षण के बारे में? मेरा तो ये मानना है कि सारे इंडिया में सारे जाति को खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर देना चाहिए। कोई भी आदमी, कोई जाति ना रहे, बस आर्थिक आधार पर जो गरीब है उसको आरक्षण मिले। मुजफ्फरपुर चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने और पलायन पलायन को रोकने के लिए क्या कुछ पहल करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ देश में डिजिटल एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है और आज भी हम वही परंपरागत बोरा और सिलेट लेकर के बैठने को मजबूर हैं। तो हम देश और दुनिया जहाँ डेवलपमेंट कर रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, हम बहुत पीछे हैं और उसमें सबको मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता है। हमको अपनी प्राथमिकता डिसाइड करनी होगी कि हम अगर 100 रुपया कमाते हैं तो हम हमारा एजुकेशन पर कितना खर्च होगा, हमारा हेल्थ पर कितना खर्च होगा, इस ढंग के प्रायोरिटी को डिसाइड करना होगा। जैसे कि लोग अभी भी प्राथमिकता, हम आज के डेट में भी बहुत सारे जगह देखते हैं एजुकेशन पर ना दे करके फिजूल खर्ची पर खर्च हो रहा है, लोग पूजा पाठ पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। उसी तरह उसी जगह हमारे समाज में अगर कोई गरीब बच्चा है जो मेधावी है तो हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमको पूजा पद्धति के तरीका को बदल करके वैसे लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। मैं तो आग्रह करता हूँ लोगों को कुछ पूजा पाठ थोड़ा में कम खर्च करिए, जो पूजा पंडाल लगाने में आप खर्च करते हैं उतना अपने समाज के गरीब बच्चों मेधावी बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर खर्च करिए, इससे समाज का ज्यादा विकास होगा। विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या नजर आ रही हैं आपको वर्तमान में? मुजफ्फरपुर में जो बंद कल कारखाने हैं उसको मैं बहुत प्रयास करूंगा कि उसको रीस्टार्ट कर करके जितना हो सके मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वर्तमान चीनी मिलों पे आपके क्या विचार है? 3-4 चीनी मिलें बंद हैं। चीनी मिल देखिए बड़ा मुद्दा है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको जरूर संसद में उठाऊं। मैं कहाँ तक कर पाता हूँ नहीं पता है, लेकिन क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ मैं 100% आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं कर ही दूंगा, लेकिन मेरा 100% प्रयास जरूर होगा कि मैं उसको संभाल लूँगा।